राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जलवायु के अपन ने दो पार्ट पढ़ लिए थे जिसमें अपन ने राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण जो कारक थे कौन कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं जलवायु की होती है उन सभी के बारे में ने चर्चा कर ली आज जो अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो राजस्थान की जलवायु में ऋतुओं का जो पार्ट होता है कि राजस्थान की जलवायु में कौन कौन सी जो है ऋतुएं आती हैं राजस्थान की जलवायु में कौन कौन से जो अलग अलग भाग होते हैं उन सभी के बारे में आज, आज अपन चर्चा करने वाले हैं तो अपन आज चलते हैं कि ऋतुएं राजस्थान की जलवायु में कौन कौन सी होती है कितने प्रकार की ऋतुओं में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया तो अपन इसमें समझते हैं कि ऋतुएं जो है सामान्यतः जो ऋतुएं होती है सामान्यतः अगर ऋतुओं की बात करें तो ऋतुएं होती है अपने छह प्रकार की कितने प्रकार की होती है ऋतु छह प्रकार की कौन कौन सी ऋतु होती है छह प्रकार की उनकी चर्चा करते हैं उनमें सबसे पहले अगर ऋतु का नाम आता है तो नाम आता है अपने बसंत ऋतु का कौन से होते हैं बसंत ऋतु का बसंत ऋतु का नाम आता है दूसरा जो ऋतु का नाम आता है दूसरा आता है अपने ग्रीष्म ऋतु का बसंत ग्रीष्म ऋतु का बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु तीसरी ऋतु की अगर बात करें तीसरी ऋतु कौन सी हो सकती है तो वो आती है अपनी वर्षा ऋतु कौन सी आती है वर्षा ऋतु चौथी जो ऋतु आती है उसकी बात करें तो आता है शरद ऋतु शरद ऋतु पांचवी अगर ऋतु की बात करें तो नाम आता है हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु छठवी ऋतु की बात करें कि छठवी जो लास्ट अंतिम जो ऋतु कौन सी आती है तो उसका नाम आता है शिशिर ऋतु जो कि अपने जो पुराने जो साहित्य मिलते हैं पुराने जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें छह ऋतुएं बताई गई है कौन कौन सी जो मुख्यतः छह ऋतु थी राजस्थान में अभी भी छह ही होती है लेकिन मुख्यतः जो पढ़ने वाली अपन तीन ही पढ़ते हैं कौन सी ग्रीष्म शीत और वर्षा ये तीन ऋतु पढ़ते हैं ग्रीष्म शीत और वर्षा ये तीन अपन पढ़ते हैं बाकी ऋतु अगर पूछ ली जाएगी ऋतु मुख्यतः ऋतु सामान्यतः ऋतु कितनी होती है तो छह प्रकार की होती है जिनमें बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जिसमें अगर बात करें जो हिंदी महीने होते हैं उनके हिसाब से बात करें तो वसंत ऋतु जो होती है वो चैत्र महीने से स्टार्ट होती है और वैशाख महीने तक रहती है अपने चैत्र से वैशाख तक रहती है और आगे ऐसे ही चलती रहती है जैसे ग्रीष्म ऋतु जो होती है अपने ज्येष्ठ से ज्येष्ठ से स्टार्ट होती है और अपने आषाढ़ तक रहती है आषाढ़ तक रहती है वर्षा जो ऋतु है वो अपने श्रावण से स्टार्ट होती है श्रावण से स्टार्ट होती है और अपने भाद्रपद तक रहती है श्रावण से स्टार्ट होगी कहां तक रहती है अपने भाद्रपद तक रहती है शरद जो ऋतु है वो रहती है अपने आश्विन से आश्विन महीने से लेके रहती है कार्तिक तक आश्विन से कार्तिक महीने तक शरद ऋतु जो है रहती है अगली जो आती है अपने हेमंत ऋतु तो हेमंत ऋतु जो होती है वो अपने माघ से माघ जो महीना आता है हिंदू का हिंदू जो महीना आता है माघ वहां माघ से लेके होती है पौष तक माघ से पौष तक और अंतिम जो ऋतु है शिशिर वो होती है माघ महीने से माघ महीने से फाल्गुन तक माघ महीने से फाल्गुन तक ये माघ से पौष तक रहती है और माघ से फाल्गुन तक जो रहने वाली भी ऋतु है वो कौन सी अपने शिष्य ऋतु है तो अपन ने छह ऋतुएं देखी मुख्यतः सामान्यतः की कौन कौन सी ऋतु जो है राजस्थान में मुख्यतः होती है अब अपन जो है जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम के हिसाब से अपने लिए इंपोर्टेंट हो सकती है अपन ने वो अब अपने को देखनी है जिसमें सबसे पहले अपने नाम आता है ग्रीष्म ऋतु का कौन सी ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी जो बातें अपने को ध्यान रखनी है कौन कौन सी जो एग्जाम के हिसाब से बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती है उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे ज्यादा जो है फालतू की बातें या ज्यादा जो है जो रिलेटेड एग्जाम से नहीं हो उनकी बातें अपन इसमें इस जो टॉपिक है इसमें नहीं करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु का जो आ, एरिया है जो महीना है वो कौन सा होता है ये अपन बात करने जा रहे हैं जिसमें अगर बात करें कि तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो अपने मध्य मार्च से ग्रीष्म ऋतु जो है मध्य मार्च से अपने रहती है मध्य जून तक कहां से कहां तक मध्य जून तक मध्य मार्च से लेके रहती है अपने मध्य जून तक कौन सी ऋतु ग्रीष्म ऋतु अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग ऋतुओं को समझेंगे कि छह ॠतु अपने बताइए उसमें से तीन ऋतु जो है अपने समझने वाले हैं जो अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी उनकी सबसे पहले बात करते हैं जिसमें ग्रीष्म ऋतु का नाम आता है जो मध्य मार्च से लेके अपने पास मध्य जून तक जो रहने वाली ऋतु है वो कौन सी है ग्रीष्म ऋतु होती है ये जो होती है आती क्यों है ग्रीष्म ऋतु कैसे आती है किस प्रकार आती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है होता क्या है कि ये जो अपनी, जो अपनी पृथ्वी होती है ये अपने रेखा होती है जीरो डिग्री जो रेखा होती है तो 21 मार्च के लगभग होता क्या ग्रीष्म ऋतु कब से आती है मार्च से आती है तो 21 मार्च के लगभग 21 मार्च के लगभग होता क्या है कि सूर्य जो है 21 मार्च के लगभग क्या सूर्य जो है उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है सूर्य जो है 21 मार्च के लगभग क्या होता है सूर्य कहां किधर होना स्टार्ट हो जाता है अपने सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है 21 मार्च के लगभग सूर्य जो है उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण जिसके कारण होता क्या है कि सूर्य जो है 21 मार्च जो उत्तरायण होने के कारण होता क्या है कि सूर्य जो है लंबवत चमकता है कहां पे लंबवत चमकता है सूर्य लंबवत चमकता है जो इक्कीस मार्च है उसको लगभग सूर्य उत्तरायण होने के कारण होता क्या है कि राजस्थान और भारत के ऊपर सूर्य जो है लंबवत चमकने लग जाता है जिससे क्या होती है अपने तापमान में बढ़ोतरी आ जाती है जिससे क्या होता है तापमान में अपने बढ़ोतरी आ जाती है और कौन सी ऋतु आ जाती है अपने ग्रीष्म ऋतु जो है आ जाती है तो कैसे मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक कौन सी ऋतु होती है अपने ग्रीष्म ऋतु होती है कैसी आती है किस प्रकार आती है तो विषुवत रेखा जो इक्कीस मार्च का समय होता है उससे क्या होता है सूर्य जो है उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है उत्तर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है राजस्थान या इंडिया की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है जिससे होता है क्या इक्कीस मार्च के लगभग जो है सूर्य की जो किरणें होती है वो अपने लगभग लगभग उत्तरायण होते 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 अपने राजस्थान के ऊपर लंबा चमकने लगती है जून के लगभग तो जून के लगभग लंबो चमकने से तापमान में बढ़ोतरी होती है अपने ग्रीष्म ऋतु इसमें जाती है अब अगर बात करें कि जो ग्रीष्म ऋतु में हवाओं हवाओं का जो प्रवाह होता है कि, से कि दर, किस किस दिशा से किस दिशा की तरफ होता है तो हवाओं का जो प्रवाह होता है वो अपने पश्चिम दिशा से ग्रीष्म ऋतु में हवाओं हौ का जो प्रवाह होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है किससे किस कि तरह होता है कौन सी दिशा से पश्चिम दिशा की से पूर्व दिशा की तरफ कौन सी ए, किस प्रकार होता है हवाओं का जो प्रवाह होता है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ होता है अब कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आती है इंपोर्टेंट तारीखें आती है जिनको याद रखना भी जरूरी होती है जिसमें नाम आता है बाईस दिसंबर इसका नाम होता है बाईस दिसंबर बाईस दिसंबर को हुआ क्या था कि मकर रेखा पर जो सूर्य है इस क्या होता है जब कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो चमकने लग जाता है अपनी लंबवत लेकिन जब बाईस दिसंबर का समय आता है तो होता क्या मकर रेखा पर एक ये जो रेखा होती है ऊपर वाली एक होती है अपने कर्क रेखा जो नीचे की तरफ होती है दक्षिणायन की तरफ होती है अपने मकर रेखा तो मकर रेखा पर मकर रेखा पर सूर्य जो है मकर रेखा पर सूर्य जो है वो अपने लंबत हो जाता है लंबत चमकने लग जाता है इस सूर्य की जो किरणें है वो अपने मकर रेखा पर सीधी पड़ती है जिससे क्या होता है राजस्थान में राजस्थान में इसका इस क्या प्रभाव पड़ता है कि बाईस दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबत होने के कारण राजस्थान में राजस्थान में सबसे लंबी रात राजस्थान में सबसे लंबी रात होती है और सबसे ठंडा दिन भी होता है राजस्थान में सबसे लंबी रात कौन से दिन होते है बाईस दिसंबर के दिन और राजस्थान में सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है अपने बाईस दिसंबर तो ये चीजें भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताई कि राजस्थान में सबसे लंबी रात और सबसे ठंडा दिन कौन सा हो सकता है तो 22 दिसंबर जो है वो अपने राजस्थान में सबसे लंबी रात और सबसे ठंडा दिन होता है अब अपन 21 मार्च की बात कर लेते हैं जो अपन ने ऊपर की थी इक्कीस मार्च को क्या होता है राजस्थान में राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है इक्कीस मार्च को तो राजस्थान में इक्कीस मार्च पे सूर्य जो होता है जीरो डिग्री पर सीधा चमकने लगता है, 21 मार्च को जीरो डिग्री पर जो है सूर्य सीधा चमकने लग जाता है और जैसे जैसे जून का महीना आता है अपने कर्क रेखा की तरफ आ जाता है कर्क रेखा पर सीधा चमकने लग जाता है तो 21 मार्च को राजस्थान की जलवायु के हिसाब से देखें तो दिन और रात दिन और रात बराबर होते हैं इक्कीस मार्च को राजस्थान में दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं एक तारीख और अपने याद रखने वाले होती है जिसमें नाम आता है इक्कीस जून का इक्कीस मार्च ले ली बाईस दिसंबर ले लिया इक्कीस जून को अपन देखते हैं तो इक्कीस जून को होता क्या है कि इक्कीस जून के लगभग सूर्य जो होता है अपने कर्क रेखा पर अपने कर्क रेखा पर सीधा चमकने लग जाता है जिससे होता है क्या है राजस्थान में क्या होता है आग... सीधा कर्क रेखा पर चमकने का सबसे लंबा दिन सबसे लंबा दिन 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे गर्म दिन भी सबसे लंबा दिन और सबसे गर्म दिन कौन सा होता है अपने राजस्थान में 21 जून सबसे ठंडा दिन और सबसे लंबी रात कौन सी होती है 22 दिसंबर को होती है 21 मार्च को क्या होता है दिन और रात दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं अपने ग्रीष्म ऋतु के महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा कर ली ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार आती है कैसे आती है वो अपन ने समझ लिया है तो ग्रीष्म ऋतु के महत्वपूर्ण एक शब्दावली अगर ले ग्रीष्म ऋतु में तो महत्वपूर्ण स्थान आता है तापमान का तो तापमान जो है राजस्थान में किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है कैसे कैसे तापमान राजस्थान में होता है वो सभी, उन सभी सभी बातों अपन चर्चा करने वाले हैं तो तापमान के हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान का राजस्थान का क्या औसत जो तापमान होता है राजस्थान का औसत तापमान, तापमान के ऊपर चर्चा करेंगे कि राजस्थान में औसत जो तापमान होता है वो तो कितने डिग्री होता है तो 38 डिग्री के लगभग राजस्थान में औसत वार्षिक तापमान होता है औसत वार्षिक तापमान कितने डिग्री के लगभग होता है अपने अड़तीस डिग्री के लगभग होता है थर्टी एट डिग्री के लगभग क्या होता है राजस्थान में औसत तापमान होता है अगर दूसरे फैक्ट की बात तो तापमान के हिसाब से हिसाब से जलवायु के हिसाब से तापमान के हिसाब से तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा होता है राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला दैनिक तापांतर वाला जिले की बात कर रहे हैं अपन सर्वाधिक राजस्थान के हिसाब से सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा होता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है उसकी बात करें तो उसमें नाम आता है अपने जैसलमेर जो पश्चिमी जिला है अपना जैसलमेर उसमें नाम आता है अगर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले स्थान की बात करूं तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान राजस्थान में कौन सा हो सकता है तो उसमें नाम आता है अपने चूरू का कौन सा चूरू का ये था जिला चूरू का स्थान आता है चूरू के स्थान होते हैं जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान की बात करूं वो तो आता है चूरू का चूरू जिला जिसमें आता है और सर्वाधिक अगर दैनिक तापांतर वाले जिले की बात करूं संपूर्ण जिले में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है तो वो होता है जैसलमेर और मुख्यतः स्थानों की बात की जाए तो कौन सा स्थान आता है अपने चूरू के स्थान जो है आते हैं इसके साथ ही तीसरे बिंदु की बात करूं कि न्यूनतम न्यूनतम दैनिक तापांतर न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला न्यूनतम दैनिक तापांतर जिला न्यूनतम दैनिक वाला जिले की बात करूं तो उसमें नाम आता है अपने डूंगरपुर का कौन से जिले का आता है डूंगरपुर का अगर स्थान की बात करूं न्यूनतम दैनिक तापमान न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान की बात करूं तो उसमें नाम आता है अपने माउंट आबू का कौन से स्थान का नाम आता है अपने माउंट तो आबू का तो राजस्थान का औसत तापमान तो होता है अड़तीस डिग्री के लगभग वार्षिक औसत औसत वार्षिक तापमान होता है अड़तीस डिग्री के लगभग सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले जिले की बात की जाए तो उसमें आता है जैसलमेर का नाम और अगर स्थान की बात करें तो चूरू जिला उसमें आता है न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले जिले की बात की जाए तो डूंगरपुर जो जिला है दक्षिणी जो जिला है डूंगरपुर और अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू मुख्यतः आता है अब अगर बात की जाए सर्वाधिक सर्वाधिक वार्षिक तापांतर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात की जाए कि सर्वाधिक वार्षिक जो तापांतर है वो कौन से जिले में पड़ता है राजस्थान के तो राजस्थान का जो चूरू जिला है उसमें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात हो तो रही है और दैनिक तापांतर वाला जिला अपने जैसलमेर स्थान की बात की जाए तो चूरू और तो तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला वार्षिक तापांतर की बात हो रही है यहाँ पे वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो कौन सा है अपने चूरू जिला और न्यूनतम न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो गया अपने डूंगरपुर कौन सा हो गया डूंगर तो अपन ने जो तापमान के हिसाब से महत्वपूर्ण जो बिंदु हो सकते हैं जो आपके आ सकते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु उन सभी की अपन ने चर्चा कर ली तापमान के हिसाब से तो ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करें इसमें तापमान जो है महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसलिए तापमान की अपन ने चर्चा की और उन्हीं बातों की चर्चा की जो एग्जाम के हिसाब से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और अपन जो है एक नोट लगा के आप लिख सकते हैं नोट इंपोर्टेंट चीज है यह भी कि सबसे गर्म व ठंडा जिला जो है राजस्थान का सबसे गर्म ठंडा जिला कौन सा है तो उसमें नाम आता है अपने चूरू का कौन से जिले का नाम आता है चूरू का राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिले की दोनों की अगर बात की जाए तो उसमें नाम आता है अपने चूरू जिले का जो कि शेखावटी का एक महत्वपूर्ण जिला है चूरू जिला उसकी बात आती है कि चूरू जिला जो है वो सबसे गर्म और राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला होता है अब अपन जो है आगे की बात करते हैं इसी में ग्रीष्म में जिसमें दूसरी जो शब्दावली में दूसरा जो शब्द आ रहा है अपने वासपो सॉरी वास्पोत सर्जन किसका नाम आता है वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत सर्जन का इसमें नाम आता है तो अपन इस किस बिंदु को समझेंगे वाष्पोत सर्जन होता क्या है किस किस प्रकार वास्पोत सर्जन का जो है जलवायु पे प्रभाव पड़ता है उन सभी बातों को अपन इसमें देखेंगे होता क्या है कि जल जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाए जल जब भाप में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं जल वाष्प कहते हैं जल जल को गर्म किया जाता है तो जब वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन जल वाष्प कहते हैं अब अगर जल वाष्प के बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं एग्जाम के हिसाब से उनकी चर्चा करें तो सर्वाधिक सर्वाधिक जलवाष्प की जो दर होती है सर्वाधिक जो दर होती है जलवाष्प की वो कौन से महीने में आती है राजस्थान में तो जून माह जो होता है वहां उस उस समय की जो जून माह में जो है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है सर्वाधिक जो वाष्पोसर्जन की जो दर रहती है वो रहती है वाष्पोसर्जन की सर्वाधिक जो दर है किस महीने में रहती है जून महीने में रहती है न्यूनतम जो दर होती है वार्षो की वो किस महीने में रहती है तो न्यूनतम दर जो होती है वो अपने दिसंबर में रहती है कौन से महीने में रहती है दिसंबर में रहती है अगली बात करूं सर्वाधिक दर अगली जो बात करूं वास्पो सजन के बारे में सर्वाधिक दर वाला जिला सर्वाधिक वास्पो सजन की दर वाला जिले की बात हो रही है तो जिला कौन सा आएगा अपने की सर्वाधिक दर वाला जैसलमेर जो जिला है वो सर्वाधिक वार्षिक वास्पो सजन की सर्वाधिक दर जो है रखता है न्यूनतम दर वाला जो जिला है उसकी बात कर लेते हैं न्यूनतम दर वाला न्यूनतम वास्पोसन की दर वाला जिला की बात करें तो उसमें भी कौन सा आता है अपने डूंगरपुर जिला जो है आता है महीनों की बात की सर्वाधिक दर वास्पोषण की जो तो दर है किस महीने में आती है तो जून में आती है न्यूनतम जो है दिसंबर में आती है सर्वाधिक वास्पोषण की तो दर वाला जिले की बात की जाए तो जैसलमेर रहता है न्यूनतम वास्पोषण की दर जो है डूंगरपुर जिले में आती है अब अपन जो है तीसरा जो ग्रीष्म ऋतु का इम्पोर्टेंट बिंदु हो सकता है उसकी जो शब्दावली है ग्रीष्म ऋतु की इसमें तीसरा जो बिंदु आता है वो अपने नाम आता है हवाओं का तो अपन हवाओं की चर्चा करेंगे कि हवाएं किस किस प्रकार से आती है किस महीने में ज्यादा चलती है किस महीने में कम चलती है अब अपन जो है ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से हवाओं की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी हवाएं जो है किस महीने में हवाएं जो है अधिक तेज चलती है किस महीने में राजस्थान में आंधी आन आने की संभावना रहती है उन सभी चर्चाओं पे अपन सभी बिंदुओं पे अपन चर्चा करने वाले हैं उसमें अपन बात करेंगे कि सर्वाधिक तेज हवाएं और उन्हीं बातों की अपन चर्चा करें जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है आपको याद करने की वो जरूरी होती है उन्हीं चर्चाओं पे उन्हीं बिंदुओं को मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं सर्वाधिक तेज जो हवाएं होती है राजस्थान में किस महीने में चलती है तो जून जो महीना होती है जून जो महीना होता है सॉरी राजस्थान का जून जो महीना होती होता है उसमें सर्वाधिक तेज जो है हवाएं चलती है लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या चलती है जून महीने में अपनी हवाएं चलती है और अगर धीमी हवाओं की बात करूं कि सर्वाधिक धीमी हवाएं जो है राजस्थान में किस महीने में चलती है तो नवम्बर जो महीना आता है नवम्बर जो महीना आता है उसमें सर्वाधिक धीमी हवाएं क्या है चलती है, तो हवाओं की बात कर रहे हैं जिसमें सर्वाधिक तेज हवाएं जो है जून महीने में चलती है और सर्वाधिक धीमी हवाएं जो है नवंबर महीने में चलती है तेज हवाओं की बात करूं तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है लगभग जून महीने में अब अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करने जा रहे हैं जो की अपने लगभग एग्जाम्स में मतलब पीछे वाले एक दो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक सर्वाधिक आंधिया जो है राजस्थान के कौन से जिले में आती है सर्वाधिक आंधिया जो है राजस्थान के कौन से जिले में आती है तो गंगानगर जो जिला है गंगा नगर जो जिला है राजस्थान का उसमें सर्वाधिक आंधियां आती है कितने दिन की बात की जाए तो सत्ताईस दिन के लगभग जो है यहाँ पे क्या रहती है आंधियों का प्रकोप रहता है तो सर्वाधिक आंधिया राजस्थान में किस जिले में आती है तो गंगानगर जो जिला है उसमें सर्वाधिक आंधियां आती है लगभग कितने दिन आती है लगभग अपने सत्ताईस दिन आती है और अगर सबसे कम आंधियों की बात करें न्यूनतम न्यूनतम आंधियों की बात करूं कि न्यूनतम जो आंधिया हैं वो कौन से जिले में आती है तो झालावाड़ जो जिला है राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्व में जिला है झालावाड़ उसमें सर्वाधिक सॉरी न्यूनतम जो है आंधिया आती है जो उसमें आंधियों का जो दिन है राजस्थान के हिसाब से तीन दिन जो है जो झालावाड़ जिला है उसमें तीन ही दिन क्या आती है अपने आंधियां आती है तो अपन ने जो हवाओं के हिसाब से बात की कि तेज हवाएं जून महीने में चलती है धीमे हवाएं जो है नवंबर महीने में चलती है सर्वाधिक जो आंधी है अपने गंगानगर जो जिला है राजस्थान का उसमें आती है उत्तरी जो जिला है सताइस दिन उसमें लगभग जो सताइस दिन उसमें आंधी आती है और न्यूनतम जो आंधी आती है वो अपने झालावाड़ में आती है जो की कि कितने दिन है तीन दिन है ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि आगे वाली एग्जाम में आपके लिए आ सकते हैं अपन जो है जो महत्वपूर्ण हवाएं होती है जो महत्वपूर्ण तो हवाएं होती है जो एग्जाम में एक दो बार पूछी जा चुकी है उनके बारे में अपन नाम लिखता जाऊंगा आप सुनते जाना कि वो कौन कौन सी हवाएं होती है किस प्रकार की हवाएं होती है ताकि आपको समझ में आ जाए सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं पुरुआ पूर्वा हवा या पूर्वाई हवा पूर्वा हवा या पूर्वाई हवा ये जो हवा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आती है जो हवाई होती हु� है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाई होती है बंगाल की खाड़ी की बंगाल की खाड़ी की क्या होती है मानसूनी हवाएं होती है कौन सी हवाएं पूर्वाई हवाएं या पूर्व की तरफ से आने वाले बंगाली खाड़ी कहाँ अपने दक्षिणी पूर्व स्थान पे है तो बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाएं जो होगी दक्षिणी पूर्वी हवाएं होगी या अपन पूर्वी हवाई मान सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन पूर्व या पूर्वाई कहते हैं दूसरी हवा का अगर नाम लेते हैं तो नाम आता है पोष पोस हवाएं कौन सी हवाएं पोस हवाएं तो पोस हवाएं कौन सी होती है ठंडी हवाएं होती है कैसी होती है ठंडी हवाएं ये जो पोस हवाए होती है जो कि सीली जिसको ठंडी हवाओं को क्या कह सकते हैं अपन सीली सीली मतलब जो ठंडी होने वाली है अ, सर्दी में आने वाली हवाएं सीली हवाएं भी इनको कहते हैं तीसरी जो हवा की चर्चा करेंगे वो उसमें नाम आता है अपने तवा तवा हवाएं कौन सी हवाएं तवा हवाएं तो तवा हवाएं कौन सी होती है जो कि गर्म जो कि कौन <Huh>؟ सी होती है गर्म हवा होती है जो कि अपने ज्येष्ठ जो महीना है जिसको जेठ कहते हैं अपन जिसको जेष्ठ महीना है उसमें बहती है गर्म हवाएं होती है तवा हवाएं अगरली हवा की जब अपन बात करने जा रहे हैं जिसमें नाम आता है अपने लू का लू या लू का दूसरा नाम होता है ताप ताप तहरी नाम से तापतरी या ताप हरी नाम से भी इसको बोला जाता है जो कि अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ग्रीष्मकालीन हवाएं होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है जो की कैसी तो होती है अपने गर्म होती है अगली जो हवाएं उनकी चर्चा अगली जो हवा है उसकी चर्चा करेंगे जिसमें नाम आता है अपने झाला का कौन सी हवा झाला जो हवा है तो झाला जो हवा होती है वाष्प के कण जिसमें क्या क्या होते हैं वाष्प के वाष्प कण और लू ये दोनों जो मिलके चलने वाली जो हवा है वो कौन सी होती है अपने झाला हवा अगली जो है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें नाम आता है धराऊ धराऊ सी, धराव कौन सी होती है? उत्तर में चलने अगली जो होती है संजेरी आप सुनते जाना मैं बता रहा हूं धराऊ जो होती है उत्तर दिशा में उत्तर तो दिशा से चलने वाली हवा होती है और संजेरी जो होती है वो अपने उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं होती है कैसी उत्तर पूर्व से चलने वाली अगली जो हवा का नाम लिख रहा हूं उनको भी सुनते जाना आप ध्यान से सुनना इन हवाओं को कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है अगुणी नाम आता है अगुणी अपन जो अगुणी दिशा बोलते हैं मारवाड़ी में अगुणी दिशा मतलब पूर्व की तरफ तो उत्तर दिशा से चलती है अगुणी जो इसको बोलते हैं अपन उत्तर पूर्व को तो उत्तर से उत्तर दिशा की तरफ से चलने वाली जो हवाएं होती है कौन सी होती है अपने उत्तर दिशा से चलती है हवाएं अगुणी हवाएं अगली जो होती है चील हवाएं कौन सी हवाएं चील हवाएं तो ये दक्षिण पूर्व से चलती है दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाएं कौन सी होगी अपनी चील हवाएं अगली जो हवा की बात कर रहे हैं अपन उसमें नाम आता है लंकाऊ लंकाऊ हवाएं तो लंकाऊ हवाएं किधर चलती है अपने लंकाऊ की दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा से चलती है लंकाऊ जो हवाएं कौन सी दिशा से चलती है अपने दक्षिण दिशा से चलती है अगली जो हवा की बात कर रहा हूं उसमें नाम आता है समदरी कौन सी हवा समंदरी हवा तो समंदरी हवा किधर से किधर चलती है तो ये भी दक्षिण पश्चिम से चलती है कौन सी दिशा से चलती है अपने दक्षिण पश्चिम से हवा जो है समुद्री हवा जो है चलती है अगली हवा की बात करूं अगली हवा का मैं नाम लिख रहा हूं जिसमें नाम आता सूर्या कौन सी हवा है सूर्य हवा तो सूर्य हवा कहां से कहां चलती है अपने उत्तर पश्चिम से जो है सूर्य हवा अपने चलती है अगली जो हवा का नाम आता है अड़वी हवा जो कि भयंकर आवाज के साथ चलने वाली जो हवा होती है वो कौन सी है अपने अड़वी हवा एक हवा का नाम आता है डाफर हवा डाफर हवा कौन सी होती है जो उत्तर दिशा से सर्दियों में चलने वाली जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं डाफर कहते हैं एक आती है बबूलिया जो की एक वायु भवर के रूप में जो गोल गोल सा अपने सबने देखा होगा वायु भवर के रूप में जो पैदा होता है वो क्या कहलाता है अपने बहु बबूलिया कहलाता है अपन एक दो इमोटेंट फैक्ट और है कि उनकी भी चर्चा कर लेते हैं जिनको आप ध्यान से सुनना जिनमें आता है अपने जून महीने का कौन से महीने का नाम ले रहा हूं मैं जून महीने का तो जून महीना जो है राजस्थान का सबसे गर्म महीने में आता है राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है जून महीना राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है अपने जनवरी महीना गर्म जून ठंडा जनवरी राजस्थान का सबसे गर्म दिन कौन सा होता है तो इक्कीस जून का जो दिन होता है वो सबसे गर्म दिन होता है राजस्थान का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है तो वो भी कौन सा होता है अपने इक्कीस जून का लगभग तेरह घंटे और सत्ताईस मिनट का जो समय होता है इस दिन में तेरह जून में अपने सॉरी इक्कीस जून में होता है सबसे लंबा दिन होता है यहाँ इस त, इस जो इक्कीस जून के दिन जो है भयंकर गर्मी पड़ती है सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो अपने डोंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे कर्क रेखा पे पड़ती है जिससे क्या होता है न्यूनतम वायुदाब का जो केंद्र बन जाता है और कौन से जिले में बनता है अपने जैसलमेर में तो ये जो चीजें जो अपन ने अभी बोली है जो अभी पढ़ी है वो कौन सी कौन सी ऋतु की होगी अपने ग्रीष्म ऋतु की तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में लगभग संपूर्ण जो चीज बातें थी जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है उनकी अपन ने चर्चा कर ली है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद